वेलकम बैक टू आर चैनल। और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। इंडिया की तरफ से आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, और ये क्वेश्चन पेपर है जुलाई का। आप देख सकते हैं ये जुलाई 2019 का पेपर है, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं आप भाषा सेकंड जिन्होंने लिया है, उनकी भाषा सेकंड है हिंदी, हम उसका डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनका फर्स्ट पेपर है, क्योंकि ये तो लास्ट टाइम आ चुका है, तो हमें तो यहाँ से एक हिंट मिलने वाला है ओनली। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहले हम एक बार निर्देश देख लेते हैं, निर्देश क्या गिवन है। तो जो निर्देश है, निर्देश में है कि प्रश्न 121 से 128 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित कीजिए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है हमें सिर्फ उसे ही सिलेक्ट करना है। तो एक बार पहले हम इस गद्यांश को देख लेते हैं, जो गद्यांश गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसे हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वन है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं, वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि जो कानों को ज़्यादा अच्छी लगती है, कर्णप्रिय कानों को प्रिय लगने वाली, प्यारी लगने वाली। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप वाद्य यंत्र को ढंग से नहीं बजाएंगे तो सही आवाज़ नहीं निकलेगी, और सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुड़जन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे, हमारे जीवन रूपी सितार को भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। अब यहाँ पे आपने खुद देखा, इन्होंने एक म्यूजिक से यानी कि संगीत से अपने जीवन को, यानी कि हम लोगों के जीवन को जोड़ दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम अनुशासन में रह के और नियम के हिसाब से कोई काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम खुद भी खुश नहीं होंगे और दूसरा भी हमसे खुश नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं। इस संसार में हम जो कुछ सोचते, कहते अथवा करते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है, ना कम ना अधिक। जब यानी कि जो भी हम करते हैं हम वही चीज़ पाते हैं, ना हम कम पाते हैं ना ज़्यादा पाते हैं। और जब हम किसी खंडर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी से प्यार से बात करें तो जाहिर सी बात है वो हमसे भी प्यार से बात करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम कोई शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वो अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है, और यदि हम कोई बुरा यानी कि अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद ही बुरा अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही डरावनी आवाज़ लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने की अभिशप्त होते हैं सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका असर हम समझते नहीं। चूंकि आवाज़ के लौटकर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा में हमारे पास आते दिख रहे हैं, यानी कि जो हमने काम किए हैं ना वही हमारे पास आते हुए दिख रहे हैं। तो चलो लर्नर्स, हम एक बार इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना
किस पर निर्भर होता है? पहला ऑप्शन है बजाने वाले की कला, दूसरा है श्रोता की रुचि पर, तीसरा है हल्के या तेज आघात पर, चौथा है वाद्य यंत्र पर। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जहाँ से आप देख लीजिए यहाँ तक इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो पहले का आंसर है वो है हल्का या तेज आघात पर, उस पर जैसा आघात मारेंगे आप, आपको वैसी ही ध्वनि सुनाई देगी। तो 121वें का जो आंसर है वो है सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है, यानी कि जो कर्णप्रिय ध्वनि है उसका अर्थ अर्थ क्या है? पहला है कानों में प्रिय, दूसरा है कानों को प्रिय, तीसरा है कानों से प्रिय, चौथा है कानों पर प्रिय। अब जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब चारों ही शब्द एक मिलते जुलते हैं, कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन कर्णप्रिय का मतलब जो है वो असली मतलब ये है कि जो कानों को प्रिय हो, यानी कि जो कानों को हमारे बहुत मीठा लगे। तो इसका आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए, हो सकता है, और दूसरा देख लेते हैं सितार बजाने की भांति जीना जीने का भी एक सलीका होता है, बिल्कुल सही, और तीसरा है जीवन तो सुरीला ही होता है, बिल्कुल नहीं होता। जाके देख लीजिए आप रोड पे जो लोग बैठे हैं उनका जीवन कितना सुरीला है, वो बेचारे खाने के लिए भी उनके लाले पड़े हैं। और चौथा है तुलना ही असंगत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी, यानी कि सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? एक बार हम सारे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सितार का, दूसरा है आघात का, तीसरा है गूंज का, चौथा है अनुशासन का। तो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं कि अगर हम बात करें, एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। आप जैसा हम करते हैं वैसा पाते हैं, तो उसका जो आंसर होगा आपको बताता हूँ। उससे एक मिनट गाइस जी, ये रहा जैसा हम यहाँ तक इसका ये रहा, और इसका जो हमारा आंसर होगा यानी कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया? आघात का। भी आघात की ही बात चल रही थी, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। तो देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि सॉरी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। ओके, प्रत्यय की दृष्टि से हम उस शब्द को पहचानना है जो शेष शब्द से भिन्न हो। पहला है कोमलता, दूसरा है सार्थकता, तीसरा है कठोरता, और जो इसका बी है वो है निकलता। यहाँ पे देखा जाए तो तीन शब्द थोड़े से मिलते जुलते हैं, कोमलता, सार्थकता, कठोरता, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और अगर हम उस वर्ड की बात करें जो अगर हम शेष शब्दों से भिन्न हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भिन्न है वो निकलता है। तो जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। आप खुद भी देख लीजिए, पहला कोमलता, सार्थकता, कठोरता, ये एक दूसरे से मिलते जुलते से हमें लग रहे हैं, बट निकलता तो बिल्कुल अलग ही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो की सॉरी तो की कर्मवाची में रचना होगी। ओके, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो की कर्मवाच्य की रचना होगी। देख लेते एक बार ऑप्शंस। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, ओके,
यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, इसका तो करेक्ट करेक्ट लग रहा है, वो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, और ये अगर हिंदी की बात हो रही है तो अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो सबसे अच्छा शब्द यही लग रहा है, बाकी तो ऐसे थोड़े अजीब से ही लग रहे हैं, बट बी इसका करेक्ट लग रहा है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, घृणास्पद की का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद करना है तो एक बार इसका हम देख लेते हैं संधि विच्छेद। पहला जो हमारा है वो है घृणा प्लस पद, नहीं। दूसरा है घृणा प्लस पद, ये भी नहीं होगा। तीसरा है घृणा प्लस आस्पद, और चौथा है घृणा प्लस पद। तो घृणा प्लस आस्पद इज इक्वल टू घृणास्पद, जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी। जी हाँ, आप भी देख सकते हैं घृणा प्लस आस्पद इज इक्वल टू घृणास्पद। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस। अब दोबारा देखते हैं हम अगले का, जो हमारे पास यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, पहले इन निर्देशों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो निर्देश है वो है प्रश्न 129 से 135, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनिए। देखिए लर्नर्स, कई बार जो दोनों है यहाँ पे हिंदी भाषा में, जैसे अभी हमने एक ऊपर सॉल्व किया और दूसरा फिर से एक ये गद्यांश आ गया, और कई बार एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, तो ये डिपेंड करता है उन्हीं लोगों पे कि वो कैसे जो जो पेपर बना रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं हम ये गद्यांश भी, एक बार हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इसके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा गद्यांश है, हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है, लेकिन गाइस ऐसा रियल में आजकल होता नहीं है। आजकल तो लोग एक दूसरे को देख के ही चलते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए अपनी प्रति जो भी है संवेदनशील, या दूसरे के लिए सिंपथी कहाँ से दिखा पाएंगे, वो एक दूसरे को ही देख के चलते रहते हैं। बट कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन को केवल परोपकार पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों के स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। कितनी प्यारी बात कही है उन्होंने कि जो कुछ हमारा है सब यहीं रह जाएगा, हम कुछ लेके नहीं जाने वाले। तो अभी जब तक हम जिंदा हैं तो हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करें। आगे देखते हैं, आगे है, हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते हुए रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किए जाने वाले त्याग है, यानी कि जो हम चीज़ें त्यागते हैं। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते ही नहीं जन्म लेता, इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और उसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपनाया कर निरंतर योग ध्यान तप और साधन करनी होगी। उससे इस स्थिति में विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक, एक मिनट गाइस इधर भी है थोड़ा सा, वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां होंगी तब भी मानव में त्याग भाव आकार ग्रहण करेगा। तो अभी हम एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो गिवन है। तो इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं हम,
लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम, यानी कि लोग हमें कब याद रखेंगे, और इनमें से कुछ चीज़ें हैं जब हम इन चीज़ पढ़ते हैं एक बार फिर देखते हैं। पहला है, नशों और शरीर को त्याग देंगे तब तो बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, ओके, बट उस ज्ञान को आप अर्जित तो कर लेंगे लेकिन अगर आप किसी के लिए यूज नहीं करेंगे तब भी आपको कोई याद नहीं रखेगा। तीसरा देख लेते हैं इसका, तीसरा है निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, बिल्कुल। चौथा भी देख लेते हैं एक बार, वैचारिक उन्नति करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर्स वो होगा सी, क्योंकि मान लीजिए हमने ज्ञान अर्जित कर दिया और हमने उस ज्ञान को कहीं यूज ही नहीं किया फिर वो बेकार है। बट अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे तो लोग हमें लंबे समय तक याद रखेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, आप ईसा मसीह जी को देख लीजिए, इन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? एक बार इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला है शिक्षा, शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके अलावा भी हमारे कुछ और उद्देश्य हैं जीवन का। दूसरा है तप, तप भी है लेकिन इसके आगे और देखते हैं। तीसरा है त्याग, चौथा है रचनात्मक। जो सबसे ज़्यादा उचित आंसर होगा वो हमारा है त्याग, क्योंकि त्याग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम त्याग करना सीख गए तो जिंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? पहला है असाधारण रचनात्मकता, दूसरा है साधारण पात्रता, तीसरा है सर्वोच्च मानवीयता, चौथा है सद्गुणों की प्राप्ति। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ए है असाधारण रचनात्मकता। अगर ये होगी तो त्याग के योग्य अगर आपको व्यक्तित्व प्राप्त करना है तो वो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। जो रेखांकित शब्द है उसका अर्थ क्या है? ये जो ये वर्ड है लैस, इसका मतलब बताना है हमें, तो हम देखते हैं एक बार। लैस का मतलब सज्जित, दूसरा है पूर्ण, तीसरा है रिक्त और चौथा है सतर्क। तो यहाँ पे जो लैस का अर्थ है वो है सज्जित। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? तो एक बार देख लेते हैं हम इसे। और गाइस जल्दी हमारी एक उपसर्ग की भी वीडियो आएगी। हम लोग सोच रहे उपसर्ग प्रत्यय समास इन सब की भी वीडियो बना दें जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। तो होप्स हो कि अगले वीक तक, यानी कि अगले सप्ताह तक हमारी वीडियो आ जाए जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलो एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं चारों, फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम उसे ही ऑप्ट करेंगे। तो आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? उपसर्ग ये होता है जो शब्द के आगे लगता है, जैसे ये आगे लगा है, और जो इसके पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखते हैं इसके एक बार ऑप्शंस। इसका पहला ऑप्शन है आ, यानी कि आ एक उपसर्ग है, दूसरा है आधि, तीसरा है आधि, चौथा है आध्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आधि, यानी कि आधि प्लस आत्मिक, आध्यात्मिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है वो सी है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, वो है, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को अलग कीजिए। ओके, इसके चारों ऑप्शंस देखते हैं। पहला है मौलिक, दूसरा है वैचारिक, तीसरा है बौद्धिक और चौथा है वास्तविक। तो अगर हम रचना की दृष्टि से इसका जो शेष से भिन्न है, तो यहाँ पे ये जो तीन शब्द हैं ये तीनों ये एक जैसे हैं ये, बट जो यहाँ पे अलग है वो है हमारा ए, मौलिक। मौलिक यहाँ से अलग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह, यानी कि शरीर को नश्वर कहा जाता है,
और इसको पहला है ये अत्यल्प होता है, ये अल्प आयु होता है, ये नाशवान होता है, और चौथा है छोटा होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक शरीर के अंदर अगर आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं, वैसे अगर एक फ़ोन के अंदर अगर बैटरी ना हो तो फ़ोन किसी काम का नहीं है। तो अगर शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी तो शरीर किसी काम का नहीं होगा, वो नश्वर होगा, यानी कि वो कभी भी नाश हो जाएगा उसका। अब मान लीजिए कि हम लोगों की अगर डेथ होती है, यानी कि हम लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो हमारा शरीर ही तो नष्ट होता है, आत्मा तो अजर और अमर है, वो कभी मरती नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि यह नाशवान होता है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, वो है बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। इसके एक बार ऑप्शन देखते हैं, पहला है विडम्बना और संस्कृति, ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी है चुनौती और संस्कृति, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है पहचान और संस्कृति, अच्छा ये हो सकता है। चौथा है समस्या और पहचान, ये भी नहीं है। तो एक बार इसको हम एक बार वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। आई थिंक हमने 135 तक का कवर कर लिया है। तो अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया था ये अलग से पैडागॉजी का क्वेश्चन है, पैराग्राफ के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं गाइस, तो मुबारक हो। अभी आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंतर आता है। पहला है भावनात्मक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है भौगोलिक, चौथा है विद्यालयी। और इसके एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। तो पहला ऑप्शन है भावनात्मक, संज्ञानात्मक, हमने चारों ऑप्शन देख लिए। तो अभी हम इसका करेक्ट देखते हैं, यानी कि एक 3 साल के बच्चा, जो 3 साल का बच्चा है वो किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह बात कर सकता है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर आता हो, यानी कि जिस जिसके बारे में उसे पता हो। आप अगर उससे कुछ बाहर की चीज़ें पूछेंगे तो 3 साल के बच्चे को इतना कुछ आप पता ही नहीं होगा, बट अगर आप उसके संज्ञानात्मक यानी कि जो चीज़ें उसे आती है किसी भी सब्जेक्ट की, आप कुछ भी पूछ लो तो वो बता देगा। जैसा कि हमने खुद भी देखा है कि जब हम छोटे थे, या हम ऐसे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब फैमिली में कोई रिलेटिव्स आते हैं तो घर वाले छोटे बच्चे को बोलते, बेटा एक पोएम सुनाओ, हिंदी की पोएम सुनाओ, इंग्लिश की पोएम सुनाओ, 1 2 3 सुनाओ, तो बच्चे को जो भी आता है वो बिंदास सबके सामने वो पूरा का पूरा सुना देता है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। यानी कि अगर उस बच्चे को संज्ञानात्मक ज्ञान है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बेधड़क उस चीज़ के अंदर में सब कुछ सारी बातचीत आराम से वो कर सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यानी कि थोड़ा फेरबदल कर दें तो सारी भाषाएं जो है पूरे विश्व की वो लिखी जा सकती हैं। यह कथन आपको बताना है सही है गलत है या क्या है। पहला है मार्मिक है, यानी कि ये गलत है। दूसरा आंशिक रूप से सत्य है थोड़ा बहुत, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। और चौथा है कि पूर्णतः सत्य है, जी ये बिल्कुल सत्य है, थोड़ा बहुत भाषाओं का फेरबदल होता है, बाकी सारी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। बढ़ते आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा 139, ये है भाषा में आकलन का अर्थ है, यानी कि जो भाषा में हम आकलन करते हैं उसका अर्थ क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है भाषा व्याकरण का आकलन होता है, दूसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है, तीसरा है आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, चौथा है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एक ये है बी, क्योंकि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी कि जो बच्चे को अगर हम पढ़ाया जो हमने क्लास में, वो उसको कितना यूज कर रहा है। ऐसा तो यानी कि उससे हमने बोल दिया बेटा ये पढ़ाया है, इसको सिर्फ पढ़ के भूल जाओ, इसको हम कहीं यूज नहीं करेंगे, तो गलत होगा। तो अगर हम भाषा में आकलन का अर्थ की बात कर रहे हैं
तो वो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? अगर हम बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हैं कि बच्चा लिखने में कैसा है, तो उसमें हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किसे मानेंगे? पहला ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान, दूसरा है शुद्ध वर्तनी, तीसरा है विचार तत्व और चौथा है सुंदर लेखन। तो जहाँ तक अगर बात करें हम, अगर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो प्राइमरी लेवल पर उसके विचार तत्वों को ही हम ज़्यादा वो देते हैं, व्याकरण ज्ञान पे इतना ध्यान हम नहीं देते। शुद्ध वर्तनी पे हम तब ध्यान देंगे जब अगर बच्चा हमसे बोल के कोई चीज़ बता रहा है। सुंदर लेखन का भी हम इतना ध्यान नहीं देंगे उस वक्त, क्योंकि तो बच्चा सीख ही रहा होता है, तो उसका जो विचार तत्व है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता? इसके हम तो यह कथन किसे महत्व नहीं देता? तो इसके चार ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है भाषा अनुकरण करने को, दूसरा है समृद्ध भाषा परिवेश को, तीसरा है भाषा नियमों में परिवर्तन को, और चौथा है भाषा नियमों में विस्तार को। तो इसके हमने चारों ऑप्शन देखे। अब हमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है, हमें उसी को ही सिलेक्ट करना है। तो इसका भाषा अनुकरण को, यानी कि यहाँ पे जो बात की गई थी वो ये कि किसको सबसे ज़्यादा महत्व नहीं देता, तो भाषा अनुकरण को महत्व नहीं देता। ये नहीं बोलते कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो इसी को आप सेम फॉलो करो, उस चीज़ को नहीं ये ज़्यादा महत्व देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास दैस साधन है, साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है? इसका जो ऑप्शन है वो बी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ऑलमोस्ट आता है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, सो दैट आप इसको देखते ही तुरंत ही टिक कर दें। आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो 15 सेकेंड में ही हो जाए और 45 सेकेंड आपके बच जाएं। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार हम देख लेते हैं। और प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, दूसरा है कहानी का को ज्यों कहते हुए दोहराना, तीसरा है कहानी सुनकर चित्र बनाना, चौथा है कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, क्योंकि अगर हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो कहानी सुनकर अगर उसे अपनी भाषा में कहना हो तो बच्चे उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, वो अपनी भाषा में कहानी को कहने के लिए खुद आगे आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यानी कि उसकी जो मातृभाषा है उसके वो शब्दों का प्रयोग करती है। तो अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो इस रूप में आप क्या करेंगे? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, तो ये चीज़ रोशनी को बुरा लग सकता है इस चीज़ से। दूसरा है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, अगर हम लाल घेरा लगाते हैं तब उस बच्ची को बहुत बुरा लगेगा, उसे लगेगा कि मातृभाषा का उसके अपमान हो रहा है। और इसका तीसरा है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, तो उसे लगेगा कि हाँ वो उस चीज़ को टीचर एक्सेप्ट कर रहा है, और बेशक बाद में टीचर स्लोली स्लोली उस चीज़ को वो करेक्ट कर सकता है, बट स्टार्टिंग में अगर मना कर देगा तो उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। तो हमें किसी बच्चे को डिमोटिवेट तो करना नहीं है, तो हम उसकी मातृभाषा को सबके वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे और उसके बेस पे ही हम उसको पढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें से हमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वो है स्पष्टता, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, तीसरा है बोलने में आत्मविश्वास, चौथा है मौलिक विचार।
तो अगर हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं लर्नर्स, तो प्राथमिक स्तर पे शब्द के शुद्ध उच्चारण पे हम इतना ध्यान नहीं देते। अगर उच्चारण कम भी सही है तब भी टीचर बच्चों को बोलता है कि आप पढ़ो बस, लेकिन बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए, मौलिक विचार होने चाहिए और स्पष्टता होना चाहिए कि वो जो जो चीज़ बोल रहे हैं उस चीज़ में वो कितना ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हैं, बेशक उनका उच्चारण थोड़ा सा कम सही हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का भाषा विकास है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर इम्पोर्टेंट है? तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें वो सिलेक्ट करना है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, और सिर्फ व्याकरण के बेस पर तो हम कुछ कर नहीं पाते तो ये गलत हो गया। दूसरा है भाषा के कठोर आकलन पर, ये भी गलत हो जाएगा, और भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। और अगर बात करें भाषा की, तो भाषा भाषा सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही नहीं है, भाषा का बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा समृद्ध भाषिक परिवेश पर, यानी कि जहाँ पे वो जिस इन्वायरमेंट में बैठ रहा है, जहाँ पे सब सीख रहे हैं, उस पर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, और ये हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है हिंदी में। कई बार ये पियाजे का या वाइगोत्स्की से रिलेटेड भी आ जाता है। तो डिसलेक्सिया तो नहीं है, एंड डिसग्राफिया है, हो सकता है, और तीसरा है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया भी नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है जहाँ पे वहाँ पे होता है। अफेजिया भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, या बी इज द राइट आंसर। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पे अगर बात करें, तो एक भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है, भाषा क्यों सिखाना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों का नाम याद रखना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, ये भी नहीं है। तीसरा है दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ड्रिलिंग हम नहीं करा रहे हैं। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। जी हाँ, कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है ना, उसमें बच्चों को मज़ा कितना आ रहा है, वो कितना इंजॉयमेंट के साथ सीख रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो जो उद्देश्य है ये यही है इसका प्राथमिक स्तर का। इसके लिए एक टीचर कई सारे टीचिंग एड का यूज़ करता है, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करता है, पपेट्स वगैरह बना के लाता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसका करेक्ट आंसर डी होगा। देखते हैं अच्छा अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फल्क डैश हो, जिसमें डैश का के सरोकार झलकते हों। पहला विस्तृत और अभिभावकों, ये तो नहीं है। दूसरा है विस्तृत और समाज। तीसरा है उच्च और समाज। और चौथा है उच्च और विद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। एक बार हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, यानी कि जो विषय वस्तु है का फलक है वो बहुत बड़े में हो, बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हो, विस्तृत हो, विस्तार में हो, और जिसमें समाज के सरोकार यानी कि जो सोसाइटी है उसके सरोकार उसमें झलकते हो। तो उसका करेक्ट आंसर सी है, एम सॉरी बी है। इसका करेक्ट आंसर बी है, सी नहीं, बी हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं हम अगला। अगला क्वेश्चन हमारा है 105, आज का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध है होता है, आंशिक संबंध नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए है, यानी कि दोनों में अंतर नहीं होता। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, एंड आई होप लर्नर्स आपको समझ आया, पसंद भी आया होगा ये सेशन। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, और आज आस पड़ोस में भी कुछ ज़्यादा शोरगुल है, तो शायद आपको थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई होगी। बट प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी कुछ सीख पाए, क्योंकि हम लोगों का मेन उद्देश्य ही है कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।